देखिए फ्रेंड्स, ये है पीली चमेली की बेल। ये इसकी ग्रोथ का ग्रोइंग पीरियड है। देखिए इससे बर्ड्स भी मेरे आने शुरू हो गए हैं। मैंने कटिंग के द्वारा ही इसको ग्रो किया था। इसको हम आसानी से कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। इस सीजन में आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरह से सर्वाइव हो जाएगी। तो देखिए जगह जगह बर्ड्स भी आ रहे हैं, शायद इसमें एक आधे फ्लावर भी आए थे। इसमें बहुत छोटे छोटे पीले से फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं, गुच्छों में आते हैं। अभी ये बर्ड्स ही आने इसमें शुरू हुए हैं, तो अभी आगे आगे आपको इसमें गुच्छों में फ्लावर दिखाई देंगे। तो मेरी बाहर की तरफ, इधर की तरफ भी बाहर की तरफ फैली हुई है, खूब ज्यादा ग्रोथ हो रही है। तो सड़क की तरफ है इसलिए मैं छत से आपको ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगी। हाँ, जो मेरे गमले में लगी हुई है छोटी सी कटिंग, अब देखिए इसके साथ ही गेंदा भी लगा रहा है और ये भी अच्छे से चल रही है। तो देखिए कितना छोटा सा, शायद आपको दिखाई भी दे रहा होगा, नहीं ये इसका ये, हाँ देखिए बहुत छोटा सा फ्लावर भी आपको दिखाई दे रहा होगा इसका। लेकिन जब अभी ये आने ही इसमें शुरू हुए हैं तो बहुत ही गुच्छों में इसमें फ्लावरिंग होगी। तो ये है, आज मैं सोच रही हूँ इसको यहाँ गमले को चेंज करके इस तरह से लगा दूंगी कि ये बाहर की तरफ लटके, क्योंकि ये बेल ऊपर से नीचे की ओर ही लटकती है, कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाती है। और इसको आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर 5-6 घंटे की धूप इसको लगे। और वैसे भी अगर इसमें फ्लावरिंग भी नहीं होती ना, तो इसके पत्ते इतनी सुंदर लगती हैं और एक तरह से कर्टन बेल की तरह लगते हैं, पर्दा बेल की तरह, और सारे एरिया को कवर करती है। आप कहीं भी इसको ऐसी जगह लगाएं जैसे अपने एंट्री पर, गेट के ऊपर या साइड में, बाहर की दीवारों पर, तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। तो इसको लगाना बहुत आसान है, खाद वाली मिट्टी में ये बहुत ही इजली ग्रो हो जाती है। गोबर की खाद भी दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। मैंने ये देखी, मेरा जो ये गमला तैयार है, मेरे तो टोटली इसमें पत्तियों की खाद, गोबर की खाद और ये सब मैंने जो घर के साग सब्जियां होती हैं उनको मैंने नीचे बेस में लगाया। जैसे मैं हर गमले की मिट्टी इस तरह तैयार करती हूँ, जो कि मैं फलों के, सब्जियों के छिलके सब बेस में लगा देती हूँ, और उसके बाद थोड़ी मिट्टी, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद और थोड़ा सा इसमें फंगिसाइड मिलाकर, और या मैं इसमें मिलाती हूँ थोड़ी सी राख कोयले की, लकड़ी की, तो उससे क्या है अच्छे से भुरभुरी और थोड़ा सा रेत मिलाकर मिट्टी तैयार कर लेती हूँ हर गमले की। तो देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ इसकी हो रही है। अभी लगाई, इस कटिंग को लगाई मुझे 3-4 महीने हुए हैं। देखिए कितने अच्छे से कटिंग फैल गई है। और इसमें ये देखिए, इसमें वो बर्ड्स भी आपको शायद दिखाई दे रही हूँ, बर्ड्स भी जगह जगह आ रही हैं। तो आप अभी इसे कहीं से मिल जाए तो इसे कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं, नर्सरी से भी लाकर लगा सकते हैं। और खाद इसमें ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, इसको 3 महीने में एक बार खाद दे देंगे तब भी बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव हो जाएगी। मतलब ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसकी ज्यादा केयर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इतनी अच्छी बेल और देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो आप ये फरवरी टाइम इसको ग्रो करने का बहुत ही अच्छा टाइम है। इस टाइम इसको अच्छी खाद वाली मिट्टी में वाला गमला तैयार कर लें, उसमें लगा लें तो बहुत अच्छे से सर्वाइव हो जाएगी। और ऐसी जगह रखें जहाँ 5-6 घंटे की धूप इसको लगातार मिलती रहे, और पानी का बराबर इसमें ध्यान रखें। और ये देखिए दिन में, क्योंकि अब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है तो एक बार पानी तो देना जरूरी है। तो इस तरह से आप ग्रो करेंगे तो ये आपके टेरेस गार्डन में ये एक परमानेंट जो है ये वाइन है। मतलब चाहे गर्मी हो सर्दी, 12 के 12 महीने ये आपके टेरेस गार्डन में रहेगी ही रहेगी। मतलब ये कभी भी सूखती नहीं है, क्योंकि मैंने ये कई जगह लगा रखी है। इसकी पत्तियां, मतलब फ्लावर नहीं आते, फ्लावर तो अब इसमें आएंगे, अब शुरू हो जाएंगे। इसमें जैसे देख रहे हैं बर्ड्स बन रही है, और इसमें 2-3 महीने फ्लावर आएंगे जून तक, और उसके बाद मई जून तक आते हैं। और उसके बाद इसकी ये ऐसी पत्तियां ऐसे की ऐसी बनी रहती हैं, और ये डोरमेंसी में भी इतना ले जाती है। मतलब ये है इसमें की पत्तियां तो बनी रहती हैं, तो ये बिल्कुल हरी भरी ही रहती है। तो जनवरी के महीने में देखे मेरी ये बाहर की तरफ लटकी हुई थी। हाँ, ये है कि ज्यादा पत्ते नहीं थे, लेकिन ये है हरी भरी तो रही, ऐसे नहीं है कि बेकार हो गई हो, डंडे डंडे रह गई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरी ये बेल ऐसे की ऐसे बनी रही, तो बहुत ही अच्छी बेल है, हार्डी बेल है। इसको आप जरूर ही अपने टेरेस गार्डन में जो है लगाए, तो परमानेंट वाइन के रूप में आपके यहाँ ये हमेशा ही बनी रहेगी। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन, ये इससे जो ये येलो जैस्मिन है इससे संबंधित अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी, ये जब मैंने ये पहली वीडियो शूट करी थी उससे 3 दिन बाद की, तो देखिए कितने फ्लावर्स मेरी इसमें बेल में खिलाए हैं। तो भारत की तरफ से भी मैंने वीडियो लेने की पूरी कोशिश की है। तो देखिए किस तरह से हर टहनी पे ये नीचे की तरफ लटकते हुए येलो कलर के, येलो जैस्मिन चमेल ये फ्लावर हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं। और नीचे से देखने से तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, और चारों तरफ से जो है इसकी बेल फैल जाती है। तो मैंने सोचा कि इसके फ्लावर तो खिलने वाले हैं, क्यों ना एक बार जब इसके फ्लावर खिल जाएंगे तो वो वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूं। तो बताना कमेंट करके आपको कैसे लगी। तो मैं यही करती हूँ अपनी वीडियो का एंड।
वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से थैंक यू।